नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे शिशु यूट्यूब चैनल। मैं हूं कासिंग रावत, आपके साथ। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 फिजिक्स का परीक्षा प्रथम पाली का समाप्त होने के साथ साथ आप सभी के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इसके सही आंसर क्या होंगे, क्या हमने अपना आंसर सही से दिया है परीक्षा में। तो आपको हम इस वीडियो में 100% सही आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये जानकारी चली जाए और बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षा होगा उसका हम लोग परफेक्ट वे में आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक्सपर्ट के अनुसार जो आंसर की होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बड़ी खबर है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये फिजिक्स का आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कई सारे सेट के जो क्वेश्चन रहता है वो आपका अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे रहता है। तो एक बात आप माइंड में कर लो कि अगर आपका प्रथम पाली का एग्ज़ाम था, अगर आपका मॉर्निंग में टाइमिंग था, तो एक बात आप नोट कर लो कि आपका जो एग्ज़ाम का जो आपका जो यहाँ पे जो परीक्षा का जो क्वेश्चन होगा वो आपका सभी पालियों में सेम रहेगा, फर्स्ट सिटिंग में भी, ठीक है। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं हम कि आपका सेट वाइज जो होगा उसके अनुसार आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताने का यही निर्णय लिया हूँ कि आपका अलग अलग क्वेश्चन का ही आंसर प्रोवाइड कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर पर ना फोकस करते हुए आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा ताकि आप भी तैयारी किए होंगे तो आपको भी पता होगा कि मैंने कहाँ गलती किया है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्या मैंने सही किया। तो इससे आपको सब कुछ सही से पता चल पाएगा। तो क्लियरली हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर यहां पे हम सेकंड है, लेकिन हालांकि सेट में, लेकिन आपको सेकंड से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, इंपेडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, ये आपसे सवाल किया गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पूर्वक देख लीजिए, उसके बाद यहां पे आपका जो भी सेट में ये प्रश्न होगा आपने इसका आंसर क्या किया है ये आप पे डिपेंड पड़ता है। तो इसका जो आंसर है मेरे अनुसार, जो एक्सपर्ट के अनुसार जो आंसर है वो आपका ये है, आपका डी, यानी कि इस प्रश्न का एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है जो कि सेट में, फर्स्ट सेट में पूछा गया था। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों को सबसे कम अस्थाई है, या फिर आप एटलीस्ट सुटेबल न्यूक्लियस इज, ये आपका सवाल है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4/2 HE हीलियम, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, इसका राइट आंसर ये हो रहा है। तो जो भी आपका सेट में जब जब भी प्रश्न पूछा हो गया होगा तो वहाँ से आप अपना यहाँ पर सही आंसर इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट और हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा अनुप्रस्थ। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो अनुप्रस्थ आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जहाँ भी आपको जिस सेट में ये प्रश्न दिखे आप वहाँ पर आसानी से अपना क्लिक करके अनुप्रस्थ पर आंसर सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका इस सेट में दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ हम आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन को आप देख करके आप अपना आंसर यहाँ पे खोज सकते हैं, जो भी आपके पास रहेगा आपका क्वेश्चन तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा डी गामा अपॉन डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर क्या है, तो ए होगा इसका उत्तर, ताकि आप भी अपना मैच करा सकें प्रश्न खोज करके, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इंग्लिश में भी प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 7 है इस सेट का, और यहाँ पर प्रश्न पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा AT, ए आपका ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, ये आपका इंग्लिश में सवाल है, जिसका ए और टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें हालांकि 8 नंबर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आपका है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1J 1 जूल के बराबर 1 वोल्ट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न का संख्या तो वैसे यहां पे 6 है, लेकिन आपका जो इसका प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहां पे बोला जा रहा है, वाई रेज आर सिमिलर टू, यानी कि सॉरी, गामा रेज सिमिलर आर
टू, ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, यानी कि एक्स किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स रेज आप यहाँ पे वाई रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज आप इसको कर सकते हैं, यानी कि वाई रेज इज इक्वल टू एक्स रेज, आप यहाँ पे इस तरह से आंसर सही मार सकते हैं, मतलब जो भी सिमिलरिटी होती है उसके अनुसार से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल पे फोकस करते हैं, सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्रश्न का, उसके बाद फिर आप अपना वहाँ पर मिला सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या मैंने बताया था और आपने क्या क्लिक किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन की क्षमता क्या होती है, तो देखिए इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा इंक्रीज होता है, इसका जो क्षमता होता है वो आपका बढ़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पावर, तो इसका राइट आंसर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अगला सवाल आपका है, तो क्या अगला सवाल एट नंबर, जो हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया था ये प्रश्न तोड़ तोड़ कर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका वन वोल्ट बराबर वन जूल होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर बताया लेकिन क्वेश्चन रिपीट कर गया इसलिए मैं आपको दोबारा से ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न पे, तो आपका अगला प्रश्न है इलेवन नंबर है यहाँ पे, लेकिन नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या रहता है, तो ये आपका सवाल है, ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्विलेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी, ये इसका क्या होगा मान, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन आपके पास कई सारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसका जो यहाँ पे होगा सी वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका जो रेखा का जो पोथी होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, तो आप इसका सही उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है नाइन नंबर दिया गया सेट में, हालांकि क्वेश्चन में फोकस करते हैं, अ हॉट वायर अमीटर मेजर्स, ये आपका पूछा गया है सवाल, ठीक है, अमीटर मेजर, तो एक गर्म तार अमीटर मापता है क्या, तो इसका नाइन्थ का आपका यहाँ पे जो प्रश्न है वो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परावर्ती धारा का मूल माध्यम, ये आपका राइट आंसर होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न आज पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आपका है यहाँ पे क्या कुछ आप देख सकते हैं, मेजोरिटी सर्कम्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर इज, क्या होगा इसका उत्तर सही, 12 नंबर ये सवाल है हालांकि, लेकिन प्रश्न पे फोकस कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सही उत्तर इसका लगा सकते हैं। अगले ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो कैथोड किरणें होती है, कैथोड रेज आर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आई होप आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कई बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में अक्सर, ये भी आज इस बार आपका पूछा गया है। 15 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कैथोड किरणें होती है, तो ये आपका न्यूट्रॉन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका, लैट्रिस बल्ब के लिए कौन सा व्यंजक सही है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्ट ऑफ लॉन्ट्रिस फोर्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी इंटू बी, और ये आपका वेक्टर का निशान ऊपर में दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आपका 17वां प्रश्न है, जो हालांकि ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है इसके अनुसार आपको देखना है, आवेशित संधारित्र का संग्राहक पटिका एवं और संघनक पटिका के आवेश का योग क्या होता है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश में इसको ट्राई करता हूँ, हालांकि आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न को देख सकते हैं, ऑप्शन को देख सकते हैं, उसके अनुसार से आप अपना आंसर कीजिएगा, हालांकि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका डी होगा, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, ये आपका इनफिनाइट रहता है, अनंत रहता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आपका सवाल है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई के संबंध में होता है, ये आपसे पूछा गया, द रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, उसके बाद बोला गया मैग्नेट एंड इट्स
लेंथ एल एम दिया गया, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 16 का, 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एल एम इज इक्वल टू 5/6 एल जी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल है किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। किलोवाट आवर्स यूनिट इज यूनिट ऑफ, तो इसका आपका 19 का हो जाएगा डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपका 22, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पे हम लोग फोकस करेंगे। लोहा होता है आयरन इज, ये आपका सवाल है, तो आयरन इज आप यहाँ पे देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है आयरन, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, लोह चुंबकीय होता है, ओके। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर ये सवाल है। यदि गामा किसी जगह का कोण, नम्न कोण होता है, तो 10 गामा का व्यंजक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये देख सकते हैं। इफ़ गामा इज द एंगल ऑफ डीप एट प्लेस देन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर 10 गामा इज क्या होगा, ये आपका सवाल है। इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ये सवाल देख सकते हैं क्लियरली, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी वी अपॉन बी एच, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर ये प्रश्न है, ये प्रश्न चिन्ह दिया गया किस गेट को निरूपित करता है, तो ये आपका सही उत्तर एंड गेट को रिलेटेड करता है, आप इसको निकाल करके बना सकते हैं, ये सही जवाब आपका इस प्रश्न का आपका एंड हो जाएगा, एंड गेट, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका एमीटर का प्रतिरोध होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, ये आपसे सवाल पूछा गया है, यानी कि 23 नंबर का सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो 23 नंबर के सवाल का आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल होता है, आप इसको ध्यान रख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल यानी कि कम, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाभिक का घनत्व लगभग होता है क्या, ये एक आपको अप्रॉक्स बताना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और इसका आपको लगभग बताना है क्या होता है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी, 2.29 × 10^17 केजी मीटर प्रति -3, यहाँ पे आपको दिया गया, आप इसको सही उत्तर इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपको लगभग में पूछा गया है। 26 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका टाइप सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले और हम लोग बढ़ते हैं, तो 25 का ये सवाल है, तो सवाल पर हम लोग फोकस करेंगे। सवाल कह रहा है प्लैंक स्थिरांक को बीमा है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज, ये आपका क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ML2 और उसका T^-1, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, तो 29 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है प्रकाशीय पथ बराबर होता है, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसकी वजह से आपको इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, हालांकि अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बात करें तो आपका सवाल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से कौन से श्रेणी का दृश्य भाग होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रेंज, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बामर श्रेणी, बाल्मर सीरीज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई, तो आपका ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उसके बाद आपका जो सवाल है ये क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद आपका है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपसे सवाल पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर बी, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगली ओर हम लोग बढ़ते हैं, आपका अगला है इलेक्ट्रॉन की इकाई क्या होती है, तो इसको मैंने बताया अभी ऊर्जा होता है, इस प्रश्न को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह आपका सवाल है निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार क्या लेंस का क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अवतल लेंस, हालांकि ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, अवतल लेंस इसका होगा, आप इसको सही किए होंगे मुझे पता है।
हीरे का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, 2.42, ये मैंने बताया। कई सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपका ये प्रश्न है E0 का मात्रक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे इसका सही उत्तर कर लीजिएगा B, ये हो जाएगा आपका आपका सही उत्तर इस प्रश्न का। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएं तो ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद प्रकाश का वेग के बारे में मैंने बता दिया है शायद। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, नाभिक में जो अल्फा कण उत्सर्जित होता है परमाणु की संख्या घटता है कितना, तो ये एटॉमिक नंबर जो डिक्रीजेस होता है, ठीक है, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा A, 1 आपका यहाँ पे घटता है, ठीक है। उसके बाद नमन कोण का उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, ये आप सवाल पूछा गया 11 का, तो 11 का सी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल पूछा गया था, एक बड़ी खबर है और इसको हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, जो एक खबर ही बोल सकते हैं इसको, पूरा आंसर की परफेक्ट वे में जो भी था। और पूरा कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपको सब कुछ सही से प्रोवाइड कराएं। जैसे भी हमारे पास और प्रश्न और उसका सही आंसर आएंगे, आपको सबसे पहले वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब का जो बटन लिखा है उसको दबा दें और उसको ब्लैक कर दें और नोटिफिकेशन का आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि इस पे यहाँ पे आपको शिक्षा से जुड़ी, यूनिवर्सिटी से जुड़ी वो तमाम खबरें सबसे पहले मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जिसका भी जितना सही हुआ है एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मैंने इतना सही किया है। ओके, बाय, टेक केयर दोस्तों। आई होप जल्द से जल्द मिलेंगे हम लोग।